हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भाई यही कर दूँ राष्ट्रपति। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो वी होप दैट वी ऑल टुगेदर विल इम्बाइब द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फाइट द कोविड पैंडेमिक एंड कंट्रीब्यूट टू द एस्पिरेशन ऑफ न्यू इंडिया। So the cavalcade of the Honorable President Sri Ramnath Kovind entering the Parliament of India, and to share those lines in English as well, it is the benevolent whose glory lives on in songs eternal, it is the generous whom the world reveres forever, whose spirit of oneness fills the boundless universe. They truly are human who die for fellow beings. As we see the greenery, the chirping of birds, and as we all await the spring season, the budget session opens today with the Honorable President Kovind's address to the joint sitting of both the houses of the Parliament. व्यंगम और मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। इस दशक का यह पहला बजट सत्र है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बजट में क्या होगा क्या नहीं, उससे ज्यादा ध्यान आजकल आज इस बात पर रखा जा रहा है कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा, जो बेहद आक्रामक है। पहले ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है विपक्ष ने। कांग्रेस समेत 16 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही बायकॉट करने के मूड में है, ऐसा उन्होंने कहा है। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, संसद भवन के बाहर राष्ट्रपति का काफिला पहुंच रहा है जहां पर आज महामहिम अभिभाषण देंगे। बजट सत्र से ठीक पहले बजट सत्र की जो शुरुआत होगी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी, जिसके लिए रामनाथ कोविंद का काफिला आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। इस दशक का यह पहला बजट सत्र होगा, देखना होगा सरकार ने किस किस सेक्टर को कितना छुआ है, क्या क्या नया और क्या क्या खास लेकर आई है, खासकर युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक क्षेत्र में। चूंकि बीता जो साल भारतवर्ष ने देखा है, गुजारा है, उसने लोगों की कमर तोड़ दी है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई है, ऐसे में उम्मीद होगी। आप महामहिम को देख रहे हैं गाड़ी से बाहर आते हुए, और इनका अब से कुछ ही देर में अभिभाषण शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इस दशक का ये पहला बजट सत्र है और ये इस दशक का पहला बजट होगा जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या लेकर आ रही है सरकार, कितनी तैयारियों के साथ इस बजट सत्र में सरकार पहुंचेगी, ये तैयारियां सिर्फ बजट को लेकर ही नहीं बल्कि इसलिए भी देखना दिलचस्प है कि विपक्ष के आक्रामक रुख के आगे सरकार अपनी बात किस तरह से रखती है और क्या
कांग्रेस और तमाम कांग्रेस समेत जो तमाम 16 राजनीतिक दल हैं वो सुनेंगे महामहिम को। आप देखिए इनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार पर खड़े हैं, जो महामहिम को अपने साथ लेकर भीतर की ओर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम के पीछे चलते हुए, वो सीढ़ियों पर पीछे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनका स्वागत करने के लिए वो बाहर आए थे। देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इनके अभिभाषण को सुनने के लिए देश बेताब है, बजट सत्र को देखने के लिए देश बेताब है। एक एक करके कदम अपने अभिभाषण की तरफ, देश के नाम अपने अभिभाषण की तरफ, बजट सत्र की शुरुआत को लेकर अपने अभिभाषण की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, जहां पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पीछे चल रहे हैं। उनके स्वागत के लिए वो द्वार तक निकलकर आए थे और अभी वो उनके साथ उनके पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही इस दशक का पहला बजट सत्र शुरू हो जाएगा, इस बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगाज ही हंगामेदार होगा। आगाज का अंदाज क्या होगा बहरहाल कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन लगातार इस प्रांगण में आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, ये कारवा महामहिम का है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे बढ़ रहे हैं और उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये पता है, पहले से पता है कि बेहद हंगामेदार होने वाला है यह बजट सत्र। लेकिन अगर नैतिकता की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को धैर्य के साथ जरूर सुनना चाहिए। विपक्ष को, विपक्ष स्वतंत्र है अपनी आवाज उठाने के लिए बजट सत्र पर, सरकार से लोहा लेने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन जब देश के प्रथम नागरिक बोले, जब महामहिम अभिभाषण दे रहे हों, तब सुनना चाहिए। जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये कि महामहिम के अभिभाषण का ही बायकाट करेंगे कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दल, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। ये गुस्से का चरम स्तर है या क्या, ये विपक्ष बता सकता है। बहरहाल आप देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर महामहिम का। सदन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूरा सदन उनके स्वागत में इस वक्त खड़ा है। माननीय सदस्यगण को
कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आजादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात आइक चेतोनाथ एक ध्यानोत आइक साधुनाथ आइक आवेगोत आइक होइसा आइक होइसा। अर्थात भारत की महानता परम सत्य है, एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर वर्ल्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। माननीय सदस्यगण, जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई। महामारी के कारण
शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणातूलम तूलादपि च याचिका वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग न ले। इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। आजादी की लड़ाई के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस सशक्त और स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, उस सपने को सच करने का आधार भी देश की आत्मनिर्भरता से ही जुड़ा था। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2,200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर, हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके, पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उनका बहुत बड़ा लाभ हमने इस कोरोना संकट के दौरान देखा है। इन वर्षों में इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही बीमारी से बचाव पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, खेलो इंडिया अभियान ऐसे अनेक कार्यक्रमों से स्वास्थ्य को लेकर देश में नई सतर्कता आई है। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों का लाभ भी हमें देखने को मिला है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज देश की स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों को आसानी से उपलब्ध हो रही हैं तथा बीमारियों पर होने वाला उनका खर्च कम हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इससे इन गरीबों को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज देश के 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में से
किसी में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7000 केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं। इन केंद्रों में रोजाना लाखों मरीज दवाई खरीद रहे हैं। कीमत कम होने की वजह से मरीजों को सालाना लगभग 3600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। माननीय सदस्यगण, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल शिक्षा का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है। साल 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं। बीते 6 वर्षों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा में 50,000 से ज्यादा सीटों की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ ही 4 स्वायत्त बोर्ड का गठन कर केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की नींव रखी है। इन्हीं सुधारों के क्रम में दशकों पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई है। माननीय सदस्यगण, आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। आज कृषि के लिए उपलब्ध सिंचाई के साधनों में भी व्यापक सुधार आ रहा है। पर ड्राप मोर क्राप के मंत्र पर चलते हुए सरकार पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही सिंचाई के आधुनिक तरीके भी किसानों तक पहुंचा रही है। 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है। मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008-09 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, वहीं साल 2019-20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गई है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है। मैं इसके लिए देश के किसानों का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश के सभी किसानों में से 80% से ज्यादा ये छोटे किसान ही हैं और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में
लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर मिली है। देश के छोटे किसानों को साथ जोड़कर 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित करने का अभियान एक ऐसा ही प्रभावशाली कदम है। इससे इन छोटे किसानों को समृद्ध किसानों की तरह बेहतर तकनीक, ज्यादा ऋण, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की सुविधाएं और प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा मिलनी सुनिश्चित हुई है। इससे किसानों को अपनी फसल की ज्यादा कीमत और ज्यादा बचत का विकल्प भी मिला है। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। माननीय सदस्यगण, कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 38,000 टन से ज्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई। माननीय सदस्यगण, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पशुधन को आय के स्रोत के रूप में स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया है। इसी का परिणाम है कि देश का पशुधन पिछले 5 वर्षों में सालाना 8.2% की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की है। मेरी सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन को भी कृषि क्षेत्र की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। इस क्षेत्र में अगले 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत
किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा गन्ने के सीरे, मक्का, धान इत्यादि से एथेनॉल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण एथेनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 190 करोड़ लीटर हुआ है। यह उत्पादन इस वर्ष बढ़कर 320 करोड़ लीटर तक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। एथेनॉल देश के किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रहा है। माननीय सदस्यगण, पूज्य बापू आत्मनिर्भर आदर्श गांवों के निर्माण की इच्छा रखते थे। इसी विचार को लेकर चल रही मेरी सरकार आज गांवों के बहुआयामी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, यह मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसका उत्तम उदाहरण 2014 से गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए 2 करोड़ घर हैं। वर्ष 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति भी तेज की गई है। मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना से अब ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी हक मिल रहा है। स्वामित्व के इस अधिकार से अब गांव में भी संपत्तियों पर बैंक लोन लेना, हाउस लोन लेना आसान बनेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। इस योजना का भी विशेष लाभ गांव के छोटे उद्यमियों और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों तथा छोटे किसानों को होगा। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के मुख्य शिल्पी होने के साथ साथ हमारे देश में वाटर पॉलिसी को दिशा दिखाने वाले भी थे। 8 नवंबर 1945 को कटक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था, वाटर इज वेल्थ, वाटर बीइंग द वेल्थ ऑफ द पीपल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग अनसर्टन, द करेक्ट अप्रोच इज नॉट टू कंप्लेन अगेंस्ट नेचर बट टू कंजर्व वाटर। बाबा साहब की प्रेरणा को साथ लेकर मेरी सरकार जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत हर घर जल पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ परिवारों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। इस अभियान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के भाई बहनों तथा वंचित वर्गों के अन्य लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे गांवों को 21वीं सदी की जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार में भी सराहनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6,42,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया। इस योजना के तीसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों के साथ साथ स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों आदि से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर रास्तों को भी अपग्रेड किया जाएगा। गांव में सड़कों के साथ ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी उतनी ही अहम है। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद मेरी सरकार देश के 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत ताकत हमारे गांव और छोटे शहरों में फैले हमारे लघु उद्योग, हमारे कुटीर उद्योग MSMEs हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे इन लघु उद्योगों के ही पास है। देश के कुल निर्यात में इनकी भागीदारी लगभग 50% की है। आत्मनिर्भर भारत के मिशन में MSMEs की भूमिका को बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। MSMEs की परिभाषा में बदलाव हो, निवेश की सीमा बढ़ाना हो या फिर सरकारी खरीद में वरीयता, अब लघु और कुटीर उद्योगों को विकास के लिए जरूरी प्रोत्साहन मिला है। 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे MSMEs के लिए 20,000 करोड़ की विशेष योजना और फंड ऑफ फंड्स जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है।
जेम पोर्टल से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों के एमएसएमईज को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है। मेरी सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि उद्यमशीलता का लाभ देश के हर वर्ग को मिले। हुनर हाट और उस्ताद योजना के माध्यम से लाखों शिल्पकारों का कौशल विकास भी किया जा रहा है और उनको रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक महिला शिल्पकार हैं। ई हाट के माध्यम से इन शिल्पकारों को पूरी दुनिया के खरीदारों से जोड़ा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका है। मेरी सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। बैंकों के माध्यम से इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3,40,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी नैपकिन देने की योजना भी चला रही है। सरकार गर्भवती महिलाओं के मुफ्त चेकअप की मुहिम एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाकर उन्हें आर्थिक मदद देकर गर्भवती माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी का परिणाम है कि देश में मातृ मृत्यु दर 2014 में प्रति लाख 130 से कम होकर 113 तक आ गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी पहली बार घटकर 36 तक आ गई है, जो वैश्विक दर 39 से कम है। महिलाओं की समान भागीदारी को आवश्यक मानने वाली मेरी सरकार नए नए क्षेत्रों में बहनों बेटियों के लिए नए अवसर बना रही है। भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम हो, मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति हो या फिर अंडरग्राउंड माइंस में तथा ओपन कास्ट माइंस में महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की अनुमति, ये सभी निर्णय पहली बार मेरी सरकार ने ही लिए हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम और देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेजी से काम किया गया। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आज़ादी दी गई है। किसी कोर्स के बीच में भी विषय और स्ट्रीम बदलने का विकल्प युवाओं को दिया गया है। मेरी सरकार ने ई विद्या के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है। विद्यार्थियों के हितों के लिए संवेदनशील मेरी सरकार ने जेईई और नीट परीक्षाओं का भी सफल आयोजन कर उनका 1 साल व्यर्थ होने से बचाया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का मानना है कि सबसे ज्यादा वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक विकास की यात्रा गुणवत्ता युक्त शिक्षा से आरंभ होती है। सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ ऐसे ही 3,20,00,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा है। इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वनवासी एवं जनजातीय वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र और जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का लाभ मिले। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार के हिस्से को भी बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम भी किया जा रहा है। अब तक इस प्रकार के 550 से ज्यादा स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं। शिक्षा के साथ साथ नौकरी की प्राथमिकताएं आसान करने और व्यवस्थित करने पर भी मेरी सरकार का जोर है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू समाप्त करने से
युवाओं को बहुत लाभ हुआ है। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करके नौजवानों को नियुक्ति के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देने की परेशानी से मुक्त किया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दे रही है। दिव्यांगजनों की मुश्किलों को कम करने के लिए देश भर में हजारों इमारतों को, सार्वजनिक बसों और रेलवे को सुगम बनाया गया है। लगभग 700 वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के अनुकूल तैयार किया गया है। इसी तरह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लागू किया गया है। डी नोटिफाइड नोमैडिक एवं सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज यानी विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए भी विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। विकास की दौड़ में पीछे रह गए देश के 112 आकांक्षी जिलों में मेरी सरकार प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं को लागू कर रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी भाई बहनों को हो रहा है। आदिवासियों की आजीविका के प्रमुख साधन यानी वन उपज की मार्केटिंग और वन उपज आधारित छोटे उद्योगों की स्थापना का काम भी जारी है। ऐसी कोशिशों से लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जनजातीय परिवारों तक पहुंची है। सरकार द्वारा 46 वन उपजों पर MSP 90% तक बढ़ाई गई है। माननीय सदस्यगण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भारत में विकास और हर भारतीय की आधुनिक टेक्नोलॉजी तक आसान पहुंच आत्मनिर्भर बनते भारत की अहम पहचान है। दो गज की दूरी की अनिवार्यता के बीच देश की संस्थाओं और नागरिकों ने डिजिटल इंडिया की ताकत से देश की रफ्तार को थमने नहीं दिया। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI से 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का डिजिटल पेमेंट हुआ है। आज देश के 200 से ज्यादा बैंक UPI व्यवस्था से जुड़े हैं। इसी तरह डिजी लॉकर का 400 करोड़ से अधिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग किया जा रहा है। उमंग ऐप पर भी देश के करोड़ों नागरिक 2000 से ज्यादा सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। देश में 3.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन स्टैंप एक्ट में संशोधन करके अब देश में ई स्टैंप की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया है। इस जैम त्रिशक्ति की वजह से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल बनाने की शुरुआत भी की गई है। इसके माध्यम से आने वाले समय में देश के नागरिक डिजिटल अपॉइंटमेंट, डिजिटल रिपोर्ट के साथ साथ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। हमारा अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक भी आज भारत का गौरव बढ़ा रहा है। इसका लाभ अब हजारों मछुआरे साथियों को मिल रहा है। हाल ही में नेशनल एटॉमिक क्लॉक और भारतीय निदेशक द्रव्य प्रणाली के रूप में नए मानक भी राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इन स्वदेशी समाधानों से भारत के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी का यह अभियान देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी सशक्त कर रहा है। इस दिशा में राष्ट्रीय ई विधान ऐप के जरिए देश की सभी विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। राज्य विधानसभाओं में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा का कार्यान्वयन विधायी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में एक नए युग की शुरुआत करेगा। माननीय सदस्यगण, हमारी संसद लोकतंत्र में देशवासियों की बढ़ती हुई भागीदारी और नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पहले की सरकारों में तथा संसद के सदनों में ये बात उठती रही है कि संसद की यह इमारत हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। संसद की नई इमारत को लेकर पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए थे।
यह सुखद संयोग है कि आजादी के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ते हुए हमारे देश ने संसद की नई इमारत का निर्माण शुरू कर दिया। नए संसद भवन के बनने से अपने संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सदस्य को अधिक सुविधा मिलेगी। माननीय सदस्यगण, देशवासियों ने जिस तेजी से तकनीक और बदलाव को आत्मसात किया है वह इस बात का प्रमाण है कि आज हर भारतीय देश को नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखने के लिए कितना आतुर है। देशवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार तेजी से निर्णय ले रही है और अर्थव्यवस्था से जुड़े हर सेक्टर में ऐसे सुधार कर रही है जिनकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। फेसलेस टैक्स असेसमेंट और अपील की सुविधा देने के साथ ही मेरी सरकार ने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर आपराधिक बना दिया है। उद्योगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों का GIS तकनीक पर आधारित डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डेटाबेस में देश भर की लगभग 5 लाख हेक्टेयर औद्योगिक भूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। मुझे खुशी है संसद के दोनों सदनों ने श्रमेव जयते की भावना पर चलते हुए श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने वाला निर्णय लिया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को कम करके 4 लेबर कोड बनाए गए। इन श्रम सुधारों में राज्यों ने भी अगुवाई की है। इन सुधारों से श्रम कल्याण का दायरा बढ़ेगा, श्रमिकों को निश्चित समय पर मजदूरी मिल पाएगी और रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। नए लेबर कोड हमारी महिला श्रमिकों की अधिक और सम्मानजनक भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। उद्योगों के लिए श्रम के साथ साथ आसान पूंजी भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए देश के बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया जा रहा है। देश में बड़े और शक्तिशाली बैंकों के निर्माण के लिए छोटे बैंकों का आपस में विलय भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 10 सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है। इसका लाभ इलेक्ट्रॉनिक सहित अनेक दूसरे सामान की मैन्युफैक्चरिंग में दिखने भी लगा है। देश और विदेश की अनेक बड़ी कंपनियों ने भारत में इन योजनाओं के तहत काम शुरू कर दिया। मेरी सरकार भारत में बने सामान के उपयोग के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। आज वोकल फॉर लोकल देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत में बने सामान के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ ही गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हों इस दिशा में काम किया जा रहा है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बड़े हर्ष की बात है कि रैंकिंग में सुधार की गंभीरता को राज्य भी समझ रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के इस काल में प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने के प्रयासों के बीच अर्थव्यवस्था को जो हानि हुई थी उससे भी अब देश उबरने लगा है। यह आज अनेक इंडिकेटर्स के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच लगभग $36 अरब का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। कोरोना काल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करना होना और उनको पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, अटल टनल हो या फिर 4 धाम सड़क परियोजना, हमारा देश विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता रहा। कुछ दिन पहले ही पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शंस देश को समर्पित किए गए।
ये फ्रेट कॉरिडोर पूर्वी भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के साथ ही रेल यात्रा में होने वाली अनावश्यक देरी को भी कम करेंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने के लिए मेरी सरकार 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर भी काम कर रही है। साथ ही भारतमाला परियोजना के पहले चरण में 6 नए एक्सप्रेसवे और 18 नए एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स का निर्माण चल रहा है। गुजरात के हजीरा और घोगा के बीच शुरू की गई रो पैक्स फेरी सेवा हो या फिर केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सेवा, ये भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट को नया आयाम दे रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का गौरव अपने साथ रखने वाले केवड़िया से अब देश के अनेक शहरों से सीधे ट्रेनें भी चलने लगी। माननीय सदस्यगण, देश को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए गैस कनेक्टिविटी पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही कोची मैंगलोर गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। डोभी दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का निर्माण ऊर्जा गंगा का प्रवाह बढ़ा रहा है। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल तक जाएगी और पूर्वी भारत के विभिन्न उद्योगों विशेषकर खाद कारखानों को गैस उपलब्ध कराएगी। इसी तरह तमिलनाडु के खाद कारखाने और अन्य औद्योगिक इकाइयों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए तूतीकोरन रामनाथपुरम गैस पाइपलाइन पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश में शहरीकरण के विकास को एक अवसर के रूप में देखती है, इसलिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक निवेश किया जा रहा है। शहरों में गरीबों के लिए स्वीकृत 1 करोड़ से अधिक घरों में से करीब 40 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले देश के 6 शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित घर बनाने का काम भी शुरू किया गया है। शहरों में काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर आवास मिल सके, इसके लिए उचित किराए वाली योजना भी शुरू की गई है। शहरों में कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार की प्राथमिकता है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो के एक रूट पर ड्राइवर लेस मेट्रो का परिचालन भी किया गया। शहरों में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के निर्माण से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड के देश भर में हो रहे विस्तार से देश के शहरों में यात्रा और आसान होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पूर्वी भारत के संपूर्ण और संतुलित विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर की भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई विशेषताओं और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए तेज विकास की नीति पर काम किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों की जीवन धारा है। इसी जीवन धारा को आर्थिक गतिविधियों का आधार बनाकर विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के आरंभ के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ पूर्वोत्तर के किसानों, युवाओं और उद्यमियों को सभी को मिलेगा। अर्थ ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम से इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज का विकास कर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को विकास की धारा बनाने का प्रयास जारी है। मेरी सरकार ने पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए संवेदनशीलता और सहभागिता की जिस नीति के साथ काम किया, उसका लाभ आज साफ दिख रहा है। आज पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्ति की ओर है और हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब विकास और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को शांति और सौहार्द के साथ पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता भी हुआ है, जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। समझौता होने के बाद इस बार बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव भी सफलता के साथ पूरे हुए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है।
एक तरफ जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा फैलाने वाली ताकतों पर भी कड़ाई बरती जा रही है। इसी का परिणाम है कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है। मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। कुछ सप्ताह पहले ही आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए। बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ चला है। प्रदेश के लोगों को नए अधिकार मिलने से उनका सशक्तिकरण हुआ है। आयुष्मान भारत सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। जम्मू में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बेंच भी स्थापित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कुछ महीने पहले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। अब लद्दाख के लोग स्वयं अपने प्रदेश के विकास से जुड़े निर्णय और तेजी से ले रहे हैं। माननीय सदस्यगण, इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए। LAC पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जाबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। मेरी सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। LAC पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान देशभक्ति के अमर गीतों की रचना करने वाले मलयालम के श्रेष्ठ कवि वल्लथोल ने कहा है, भारतम ऐन्ना पेरुकेट्टाल अभिमाना पूरिदम आगनम अंतरंगम, अर्थात जब भी आप भारत का नाम सुने, आपका हृदय गर्व से भर जाना चाहिए। मेरी सरकार भविष्य के भारत की व्यापक भूमिका को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को सशक्त करने में जुटी है। आज अनेक आधुनिक साजो सामान भारत की सैन्य क्षमता का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने HAL को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का ऑर्डर दिया है। इस पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा से जुड़े 100 से अधिक सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह सुपरसोनिक टॉर्पीडो, क्विक रिएक्शन मिसाइल, टैंक और स्वदेशी राइफलों सहित अनेक अत्याधुनिक हथियार देश में ही बन रहे हैं। आज भारत रक्षा सामान के निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। माननीय सदस्यगण, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर अर्थात इन स्पेस का गठन स्पेस सेक्टर में बड़े सुधारों को गति देगा। आज हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3, गगनयान और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में भी देश तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। कुछ महीने पहले काकरापार में
देश के पहले स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का सफल परीक्षण किया गया। माननीय सदस्यगण, विकास के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा भी मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी संकल्प को लेकर भारत जीडीपी की इमिशंस इंटेंसिटी को वर्ष 2005 की तुलना में 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पेरिस समझौते को लागू करने में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। हाल ही में कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने का काम शुरू हुआ है। पिछले 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता 13 गुना बढ़ी है। आज देश में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 1/4 हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है। माननीय सदस्यगण, भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को इस कोरोना काल में भी जिस गंभीरता से निभा रहा है, उसे आज दुनिया देख रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए भारत ने देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति की। भारत वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है कि वंदे भारत मिशन, जो दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा अभियान है, उसकी सराहना हो रही है। भारत ने दुनिया के सभी हिस्सों से लगभग 50 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के साथ ही 1 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों को भी उनके अपने देशों तक पहुंचाया है। कोविड-19 की बाधाओं के बावजूद भारत ने सभी साथी देशों से अपने संपर्कों और संबंधों को और मजबूत बनाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिखर सम्मेलन, बहुपक्षीय कार्यक्रम और आधिकारिक बैठकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भारत ने आगे बढ़ाया है। भारत ने ऐतिहासिक वैश्विक समर्थन हासिल करके इस वर्ष 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रवेश भी किया। भारत ने 2021 के लिए ब्रिक्स में अध्यक्ष पद भी ग्रहण किया है। माननीय सदस्यगण, आज जब भारत दुनिया में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, तो हमें भी उतने ही बड़े संकल्पों को सिद्ध करना होगा। 2021 का यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी अहम है, देश ने कुछ दिन पहले 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। यह वर्ष नेताजी की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। नेताजी की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मेरी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हम सबके पूज्य गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व भी हम पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे। इन समारोहों के साथ ही देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का शुभारंभ भी इसी वर्ष हो जाएगा। माननीय सदस्यगण, विगत वर्ष में सामूहिकता की जिस शक्ति का हमने साक्षात्कार किया है, उसी शक्ति से हमें नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था। आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं। नागरिकता संशोधन कानून संसद द्वारा पास किया जा चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने रिकॉर्ड सुधार किया है। अब कंप्लायंस से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 65वें से 34वें रैंकिंग पर आ गया है। जिस डीबीटी को नजरअंदाज किया जा रहा था उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है। कभी हमारे यहाँ सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। आज मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का लाभ मिल रहा है। इस दौरान सिर्फ नए कानून ही नहीं बने बल्कि 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, ऐसे अनेक निर्णय हैं जो लगभग हर क्षेत्र में लिए गए हैं। मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है वह अभूतपूर्व है। हर गरीब का घर रोशन हो इसके लिए 2.5 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम हो इसके लिए 36 करोड़ से ज्यादा सस्ते एलईडी बल्ब वितरित किए गए। दुर्घटना की स्थिति में गरीब परिवार को दर दर न भटकना पड़े इसके लिए सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर 21 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया। गरीब की मृत्यु के बाद उसके परिवार के पास एक संबल रहे इसलिए सिर्फ 90 पैसा प्रतिदिन के प्रीमियम पर लगभग 9.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया। गरीब का शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो इसलिए मेरी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि टीकाकरण अभियान को देश के उन आदिवासी इलाकों में भी ले गई जो अब तक अछूते थे। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। गरीब के हक का राशन कोई दूसरा ना छीन ले इसके लिए 100% राशन कार्ड को डिजिटल किया जा चुका है। 90% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। रसोई के धुएं से गरीब बहन बेटी की सेहत ना खराब हो इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए गए। गरीब बहन बेटी की गरिमा बढ़े, उनकी परेशानी कम हो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। घर में काम करने वाले भाई बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई गई। गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए। इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं। माननीय सदस्यगण, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें से हर आंकड़ा अपने आप में एक जीवन गाथा है। इस संसद के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्हीं परिस्थितियों में गुजारा है। हमारे जिस कार्य से गरीब भाई बहनों की चिंता, उनका दुख और तकलीफ कम हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रत्येक कार्य इस संसद में हमारी उपस्थिति को सार्थक बनाएगा। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नीयत के साथ पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है। माननीय सदस्यगण, वीरता, अध्यात्म और प्रतिभाओं की भूमि पश्चिम बंगाल के सपूत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने देश प्रेम से भरे एक ओजस्वी गीत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था, चौल रे सौवे भारत संतान, मातृभूमि कोरे आवाहन, वीर ओ दौर पे पौरुष गौरवे, साध रे साध सावे देशेर कल्याण।
अर्थात मातृभूमि आह्वान कर रही है कि भारत की संतानों सभी मिलजुल कर चलते रहो, वीरता के स्वाभिमान तथा पौरुष के गर्व के साथ तुम सभी देश के कल्याण की निरंतर कामना करते रहो। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें, अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Honorable President, I wish to read some paragraphs from the English version of your address to both the Houses of Parliament assembled together today and the rest. राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, चुनौती के सामने भारत नहीं रुकेगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव पड़ा, सरकार ने गरीबों का ख्याल रखा, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की कोरोना महामारी में, जिसने लोगों को काफी मदद पहुंचाई। सरकार ने लोगों के लिए कई योजनाएं एक साथ चलाई हैं, कई सार्थक काम किए हैं। कोरोना काल में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है। दुनिया में कोरोना काल में भारत की क्षमता देखी है। दुनिया में जहां महामारी से लोग परेशान थे, आज देश में 563 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 66 लाख महिलाओं को लाभ अब तक पहुंच चुका है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ 3,20,00,000 छात्रों को मिला। तो सरकार जो काम हुए हैं, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। LAC पर शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने इस चुनौती से भी निपटा। हमारे जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है।